जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार द्वारा लंबे इंतजार के बाद जनवरी महीने की पेंशन डालने और उसके बाद सरकार ने जनवरी माह की पेंशन डालनी शुरू कर दी है। अभी तक बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी दिसंबर महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो किसी की जनवरी माह की भी पेंशन अभी तक नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अभी तक दिसंबर और जनवरी दोनों महीने की पेंशन नहीं मिली है। ऐसे माना जा रहा है कि सभी को पेंशन सरकार द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। जिन लोगों को दोनों महीने की पेंशन नहीं मिली है, दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा इन सब परिवारों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। जिन लोगों की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा है, उन सभी की पेंशन हमेशा के लिए बंद रहेगी। जिन लोगों की पेंशन दिसंबर महीने की आ गई है और जनवरी महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है, उन सभी की पेंशन 2 से 3 दिन में आ जाएगी। बैंक वाइज सरकार द्वारा पेंशन डाली जा रही है। आप बात करते हैं कि फरवरी महीने की पेंशन कब तक आएगी। दोस्तों, जनवरी महीने की पेंशन सभी की डालने के बाद फरवरी माह की पेंशन भी डालनी शुरू कर दी जाएगी। अब की बार फरवरी माह की पेंशन 25 मार्च के आसपास आ जाएगी। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। तो जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।